हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। आज मैं आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा के कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया के बारे में। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है जो स्टूडेंट कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में है और यह एक पब्लिक फंडेड कॉलेज और DLI अप्रूव्ड है। अब हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो यह कॉलेज 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में जैन, मई और सितंबर तीनों ही इनटेक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में सभी तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटी, बिजनेस, इकोनॉमिक, सभी तरह के प्रोग्राम्स इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप ड्यूरेशन की। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है तो 2 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है तो 5 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है। बट आपने इस गैप के ड्यूरिंग क्या एक्टिविटी करी है, आपने कहीं जॉब करी है या कोई डिप्लोमा किया है, यानी कि कोई स्किल सीखी है, तो आपको इसकी जस्टिफिकेशन कॉलेज को प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 55-60% स्कोर होने जरूरी हैं, जो कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं IELTS रिक्वायरमेंट की। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है तो आपके ओवरऑल 6 पॉइंट स्कोर होने जरूरी हैं, और अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 स्कोर हैं तो भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपके ओवरऑल 6.5 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट बेस्ड टफल टेस्ट। अगर आपने इंटरनेट बेस्ड टफल टेस्ट दिया हुआ है तो आपके ओवरऑल 80 स्कोर होने जरूरी हैं, और इस सेक्शन में 17 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूलिंगो की। ड्यूलिंगो में मिनिमम आपके 105 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। इस कॉलेज की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 125 कैनेडियन डॉलर है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज से आपको लेटर ऑफ अप्रूवल कितने दिनों में मिल जाता है। तो इस कॉलेज से आपको लेटर ऑफ अप्रूवल विद इन 15-30 डेज में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज की ट्यूशन फीस कितनी है। तो इस कॉलेज की जो अप्रोक्सीमेट ट्यूशन फीस है वो 13,000 कैनेडियन डॉलर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में वीकली क्लासेस कितने दिनों की अवेलेबल होती हैं। तो इस कॉलेज में जो वीकली क्लासेस है वो 3-4 डेज की अवेलेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर अवेलेबल है। तो इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही यहाँ कोऑप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में अकोमोडेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके साथ ही यहाँ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आपकी स्टडी इस कॉलेज से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल हो। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से जाके डिटेल में आप देख सकते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या होता है और किस कोर्स के लिए कितने टाइम का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी प्रकार टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं टाइम टू टाइम आपका कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। इसके साथ ही आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।